नमस्कार दोस्तों, मैं पापिया और आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरी इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जिस तरीके से मैं पिछले बहुत सारे वीडियो में आप सब लोगों से बहुत कुछ बातें शेयर की हूँ, और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को वहां से कुछ ना कुछ नया चीज सीखने को मिला है, और जिस तरीके से आपने हमें इतना सपोर्ट किए हैं और इतना आगे जाने की मौका दिए हैं, आप लोग शेयर किए हैं, लोगों से सीखने का मौका दिए हैं, उन सभी के लिए मैं आप सब लोगों को दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और दोस्तों, आज भी मैं आप सब लोगों के साथ ऐसी एक टॉपिक के ऊपर बातचीत करने के लिए आई हूँ दोस्तों, जिस टॉपिक को सुनने के बाद शायद आपकी जिंदगी में बहुत सारा परिवर्तन आ जाए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक को भी आप लोग जरूर शेयर करेंगे दोस्तों के बीच में, फैमिली के बीच में, ताकि उन लोगों को भी ये चीज जानने का मौका मिले। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए हम उस वीडियो की ओर चलते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से हमारी जिंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ चीजों की दरकार होता है, जैसे आप बोलेंगे कि मैम क्या चीजों की दरकार होता है। दोस्तों, हमें जिंदा रहने के लिए सबसे पहला तो सांसों की जरूरत होता है, उसके साथ साथ हमारा खाने की जरूरत होता है, पीने की जरूरत होता है, नया नया कुछ चीजों को पहनने की जरूरत होता है, और उस चीजों को मतलब वो जो चीज हमने पहने थे उसको धोने के लिए हमें सर्फ की दरकार होता है, यानी कि हमें हर एक चीजों की दरकार होता है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, हमारी स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखने के लिए एक चीज की दरकार है। लेकिन दोस्तों, हमारे इस बिजी शेड्यूल में, हमारे इस बिजी लाइफ में हमारे पास एक भी मतलब 1 मिनट का भी वक्त नहीं है कि हम हमारा स्वास्थ्य को लेकर सोचे। क्योंकि दोस्तों, हमारा जो स्वास्थ्य है, बंगाली में एक कहावत है कि स्वास्थ्य सबसे ज्यादा मूल्यवान संपद है। दोस्तों, अगर हम स्वास्थ्य नहीं रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य तंदुरुस्त नहीं रहेगा, तो हम जो भी कुछ बड़ा लाइफ में अचीव कर ले, जो भी चीजों में मतलब कन्वर्ट करे, यानी कि कोई भी काम करे या फिर पढ़ाई लिखाई करे, किसी भी चीजों में हमारा मन नहीं लगेगा, क्योंकि स्वास्थ्य हमारा साथ नहीं दे रहा है। दोस्तों, ज्यादा दिन तक अगर स्वास्थ्य हमें साथ देगा, उसके लिए उस स्वास्थ्य को कुछ चीजों की दरकार होता है, और दोस्तों वो चीज का नाम है सप्लीमेंट। और मुझे पता है कि आप सब लोग भी यही सोच रहे थे कि स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखने के लिए सप्लीमेंट की दरकार होता है। और दोस्तों, मेरी जो इस क्लास है, इस क्लास का नाम है व्हाई सप्लीमेंट। दोस्तों, हमारे जिंदगी में हम लोग हमारे स्वास्थ्य के ऊपर कभी ध्यान नहीं देते हैं, जिसके वजह से आज हमारे जिंदगी में कुछ कड़वा सच बाहर निकल के आए हैं। जैसे दोस्तों, आप लोग ही बताएंगे कि 1950 साल में लोग ज्यादा बीमार पड़ते थे कि आज? मुझे पता है सभी का उत्तर यही है कि मैम आज ज्यादा बीमार पड़ते हैं। 50 साल पीछे ज्यादा अस्पताल, ज्यादा डॉक्टर थे या फिर आज? ये इसका भी आंसर है दोस्तों, आज। दोस्तों, ऐसा क्या कारण है कि पिछले 50 सालों में जितना अस्पताल बढ़ा, डॉक्टर बढ़ा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गुना लोगों की बीमारी बढ़ चुकी है? दोस्तों, आज का जमाने में अगर बीमारी को गिनने की शुरुआत करें तो मुझे नहीं लगता कि एक दिन में आप खत्म कर पाएंगे। पता नहीं कहाँ से क्या क्या नया नया वायरस, नया नया रोग, बीमारी सृष्टि हो रहा है, और लोग उस पे मर भी रहे हैं, और लोगों का स्वास्थ्य जो है वो दिन ब दिन खराब की ओर चले जाते हैं। दोस्तों, मैं ये बातें नहीं करती, अगर आज हम लोग ऐसी एक जगह पर होते जिस जगह पर लोग रासायनिक का इस्तेमाल बंद करके किसी अच्छे चीजों से, जैसे गोबर खाद हो गया, जैसे पहले जमाने में होता था ना खेती बाड़ी में कि गोबर खाद का इस्तेमाल, अगर उस तरीके का कुछ चीज इस्तेमाल करके फसल उगाते थे, या फिर आज सबसे एक पोल्यूशन फ्री जो एयर होता है वो एयर को अपने अंदर निश्वास के द्वारा लेते, या फिर एक ऐसी जिंदगी बिताते थे जहां पर कोई ड्रिंकिंग स्मोकिंग का गुंजाइश ही नहीं था, तो आज हम इस टॉपिक पे बात नहीं करते। लेकिन दोस्तों, आज ऐसी जगह शायद ही दुनिया में कहीं पर है। आज की दुनिया में अगर देखा जाए तो लोग सबसे ज्यादा रासायनिक, कीटनाशक, इन सब चीजों को अपनी जिंदगी के साथ इस प्रकार से जुड़े लिए हैं, जिसके वजह से उनके शरीर
दिन ब दिन खराब की ओर जाते हैं। जैसे हमारे खान पान हो गया, जैसे हमारे पहनाव हो गया, हमारी पर्सनल यूजेस की चीजें हो गया, और उसके साथ साथ दोस्तों जो स्मोकिंग वाला चीज हो गया। दोस्तों कभी कभार तो ऐसा लोग बोलते हैं कि हाई सोसाइटी में रहने के लिए, हाई सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए लोगों को स्मोकिंग और ड्रिंकिंग बहुत जरूरी होता है। और दोस्तों जैसे हमारी फ्रेंड्स लोगों के साथ स्टेटस में हम लोग देखते हैं कि हम लोग कहीं अगर बाहर घूमने जाते हैं तो पिज्जा, बर्गर ये सब चीज खाना खाते हैं, लेकिन हमें सभी लोगों को पता है कि ये जो जंक फूड है ये हमारे शरीर के लिए कितना खराब है। तो दोस्तों हम हमारे शरीर को खराब करने के लिए कुछ चीजों के ऊपर कारण को ढूंढी हूं। जैसे एक सर्वे में बताया गया है कि एक सर्वे में जो बताया गया है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, उससे ज्यादा ये लोग बीमार पड़ते हैं जो करते नहीं है। और उसके साथ साथ ये कारण को भी ढूंढा गया है कि तीन कारण हमारे जिंदगी में है जो हमारे स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। पहला कारण है दोस्तों हवा। जैसे मैं बताई हूँ कि पॉल्यूशन एयर जो हमारी निश्वास से मतलब श्वास के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जाके शरीर को धीरे धीरे खराब करते हैं। उसके साथ साथ है पानी। दोस्तों आजकल हम लोग मतलब पानी पीने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग ना जो स्वास्थ्य पानी है, जो शुद्ध पानी है, विशुद्ध पानी वो पीना मतलब वो पीना भूल गए। तो ये जो पानी का जो गंदगी है ये भी हमारे शरीर में जाके बस जाती है और हमारे स्वास्थ्य को खराब करता है। और दोस्तों ये जो प्रदूषण है, प्रदूषण का मतलब है क्या, जो हमारी पॉल्यूशन है जिसके वजह से आज हमारी बालों को बताए, त्वचा को बताए, जो भी कुछ है वो दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। तो दोस्तों क्या किसी के पास ऐसा हल है जो हमारी इस जिंदगी को बाहर निकल सकते हैं इस जिंदगी से? जी दोस्तों मेरे पास वो हल है और वही बात बताने के लिए मैं आप सभी लोगों के बीच आज आई हूँ, जिसका नाम है दोस्तों सप्लीमेंट। और इन्हीं चीजों के लिए हमें सप्लीमेंट की दरकार है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस आप लोगों को इतना सा जानकारी दी हूँ, बाकी अगले मैं नेक्स्ट पार्ट में आप सभी लोगों को सप्लीमेंट के और भी बहुत ज्यादा काम, बहुत ज्यादा बातें बताने के लिए आ रही हूँ। आप लोग तैयार रहिएगा और ये जो चीज मैं बताई हूँ अपनी जिंदगी से रिलेट कीजिएगा कि सच में ये जिंदगी में हो रहा है कि नहीं। बाकी दोस्तों तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना ध्यान पूर्वक समय देकर मेरा इस वीडियो को देखे हैं, और जरूर आप पूरी देखे समझे और उसके बाद आप लोग कमेंट में जरूर रिप्लाई कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।